किसानों को तो एक दिल्ली के जाल में फंसाया गया था वहां पे, इनको ना कोई रास्ते का पता था वहां का, कहा इनको जहाँ आए वो नहीं पता, और पुलिस से कुछ लोग कहते रहे कि भाई लाल की रह, लाल की रह, लाल की रह जाओ, हमें पुलिस पकड़ के ले जाओ, ये मार दो, जब तक हमारा भाई किसान जो बैठा है, जो मरा हुआ किसान है, हम छोड़ के नहीं जा सकते, इसके लिए हम अपनी आहुति भी देने को, मृत्यु भी अगर प्राप्त हुए कि हम ले रहे हैं। और जिस हिसाब से वीडियो में दिखाया गया उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि उसके गोली लगी, उससे संतुलन बिगड़ा और उससे ही वो पलटा है। जब हम 7 किलोमीटर पहले रुक गए थे, गाड़ी रोक दी गई थी हमारी, हम साइड में लगा दी थी, उसके बाद में पैदल गए थे, तो पैदल जाने के बाद में दो लड़के यहाँ भी थे हमारे, जो लंगर लगा रहे थे, तो ये बार बार हाथ लगा रहे थे, हाथ दे रहे थे सबको, बीरा मर गया जी, बीरा मर गया, बीरा मर गया। हमने कहा भाई तू शांत हो जाओ, अब बात शांति से बताओ क्या बात होगी। कहते जी एक हमारा भाई मर गया है और वहां पे पड़ा है, टेटा पलटा, हम गए तो देखा वहां कोई नहीं था। मैंने भाई ऐसा नहीं है, फिर तो पुलिस भी हमें भी ले जाके पकड़ गए और वापस आ जाओ। तो हमारे यहाँ के इलाके के ट्रैक्टर आए तो हमने ट्रैक्टर रोके, रोकने के बाद में ट्रैक्टर रोके, पीछे सरदारों के ट्रैक्टर थे भाइयों के, तो ये भी रुके हमारे साथ, फेंक गई थी वहां पर, तो वहां पर जाके बैठते तो फेंका दी, हाथ बैठने का कोई लाभ नहीं है, आप जब उठाओ। और जब उठा कर लेते, हम 15-20 ही लोग थे मात्र, इसे उठा के हम चौराहे पे जो लाए थे तो ला कर रख दिया था। फिर यहाँ इनपुट मिले थे कि पुलिस आ जाएगी, तो हम बाजू में नहीं, जब तक यहाँ पे है तो जब तक वहाँ पे नहीं जाया जाएगा, हमें पुलिस पकड़ के ले जाओ, ये मार दो, जब तक हमारा भाई किसान जो बैठा है, जो मरा हुआ किसान है, हम छोड़ के नहीं जा सकते, इसके लिए हम अपनी आहुति भी देने को, मृत्यु भी अगर प्राप्त हुए कि हम ले रहे हैं। आज जो यात्रा उत्तराखंड से आई, तो हमारा बच्चा जो यहाँ पे शहीद हुआ 26 तारीख में नवदीप, उनके परिवार वाले यहाँ पे आए और पूरा क्षेत्र उस यात्रा के साथ में आया, बेहद ज्यादा दुखद घटना। कोई वैसा जो मामला हुआ उसको निमट लगते, लेकिन जो ये घटना हुई, जब पता चला इस तरह से एक बच्चा हमारा वहां पे शहीद हुआ गोली लगने से, और वहां पे जो सबसे पहले पहुंचे वहां पे अपना भांजा वहां पे था, जब दो बच्चे उसको रोक रहे थे, जब कोई ट्रैक्टर वाले कोई नहीं रोक रहे थे, तो बड़ोप से संजू वो वहां पे गया, उनके साथ वहां पे रहे और पूरी हेल्प वहां पे करी, क्योंकि एक अरफा तरफी का माहौल वहां पर उस टाइम पे बन चुका था। उनको लेकर फिर यहाँ पे आए, एक बेहद ज्यादा दुखद घटना अगर ऐसे मामलों में होती है आंदोलन में, तो बहुत ज्यादा दुखद होती है। और एक बच्चा सेटल्ड बच्चा बाहर से आया, और उसकी लगन ये देखो कि ट्रैक्टर के साथ में, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे रह रहे हैं उनका क्या मतलब, खेती किसानी से उससे गाँव से, लेकिन उसका फिर भी एक लगाव ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर दिल्ली में ट्रैक्टर चला, और जिस हिसाब से वीडियो में दिखाया गया उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि उसके गोली लगी, उससे संतुलन बिगड़ा और उससे ही वो पलटा है। और जिस हिसाब से डॉक्टरों से भी जो बात करी, जो चोट थी उसके, वो यहां से जाकर और पीछे से निकली हुई थी, तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उसकी दुखद घटना है, और उनके परिवारों के साथ में पूरा संयुक्त मोर्चा समस्त किसान उस परिवारों के साथ में है, क्योंकि जो चला गया वो आ नहीं सकता, और दुख कितना होता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसके लिए कोई शब्द नहीं होते। एक घटना का हम जिक्र करूं, मैं इसी में बताऊं, वो एक गांव में एक लड़का, उसका मर्डर हो गया सिसुंदी में, और उनके ना कोई भाई, ना कोई माँ, ना बाप, सिर्फ उस परिवार में 16 लड़की लड़कियां, उसकी बुआ, वे, उसकी बहन और कोई नहीं, और वो अकेला, वो भी चला गया। तो टिकट साहब वहां पर गए, पड़ोस में ही थे परिवार से, उसने कहा पर कहने के लिए तो बस कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं कि यहाँ पे कुछ कह दे, वो कुछ नहीं है, वो
लाश था उनका कुछ नहीं है, सिर्फ उस परिवार में लड़की है, लड़कियों की शादी होगी, वे पड़ोस में ही है, तो उन परिवारों को हमने ही एक किस्म से बोले रखा संजू तो इधर आ, ये था वहां का लड़का जो सबसे पहले वहां पर गया था, ये भांजा है, ये काम चौधरी है अपने सुरेंद्र सिंह भड़ोत्सव का बेटा, ये वहां पे दूसरा जब वो हाथ दे रहे थे तो ऊपर आप यही था वहां पे, ये मौके का गवाह है। तो ऐसे भी परिवार होते हैं कि वहां पे आज उन लड़कियों का उनका मकान है, जमीन है, उनका आना जाना रहता है, जो मोहल्ले में कोई शादी ब्याह कोई होता है तो उन लड़कियों के हम अपनी बहने और उनके वहां पर ना जाए, लेकिन कोई भी वो होगा तो उनके घर पर जाते हैं, उनको बाकायदा बुलवाते हैं और उनका मान सम्मान उसी तरह से हम करते हैं। तो इस तरह के भी वो होते हैं, ये चीजें हैं, इनके परिवार से जो बच्चा गया है कितना दुख हो सकता है उसकी कोई कल्पना नहीं है। ये नहीं कि वहां पे जो भी वहां पे लोग रहे हैं वो लोग रहे, क्योंकि किसानों को तो एक दिल्ली के जाल में फंसाया गया था वहां पे, इनको ना कोई रास्ते का पता था वहां का, कहा इनको जाना है वो नहीं पता, और पुलिस से कुछ लोग कहते रहे कि भाई लाल किले लाल किले लाल किले जाओ, लाल किले कोई वो थोड़ा था वहां पे, ये क्या घटना हुई वो तो सबको है, लेकिन ये वहां पे मौके पर है, सब लोग फिर जो भी स्थिति बने उनको फिर लेकर आए, तो ये वहां पे था, इसने बताया कि मैं वहां पे था, हम रुके वहां पे और लोग उनको लेकर आए, तो ये था आगे का। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।